हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसटीईटी की विषयवार कट ऑफ नहीं, लिस्ट में शामिल नहीं होने वाले नाराज। एसटीईटी 2019 का परिणाम के साथ मेधा सूची भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दी, लेकिन एक दिन बाद ही हंगामा शुरू हो गया। बोर्ड प्रशासन ने सभी विषयों का रिजल्ट जारी किया है और रिक्ति की सूची जारी की है, लेकिन मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का कट ऑफ जारी नहीं किया है। जबकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने उन्हें अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने को कहा था जिन्हें कट ऑफ लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी में तो उत्तीर्ण हैं लेकिन मेधा सूची में शामिल नहीं हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सीट से कम ही अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसके बावजूद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कट ऑफ लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थी दीपांकर ने कहा कि यदि अभ्यर्थियों के सवालों के जवाब बिहार बोर्ड ने नहीं दिया तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। वही अभ्यर्थी राहुल झा ने कहा कि शिक्षा विभाग ने विषयवार कट ऑफ जारी नहीं होने से भी अभ्यर्थी में ऊहापोह की स्थिति है। अभ्यर्थियों ने कट ऑफ जारी करने की मांग की है। तो एसटीईटी का जो रिजल्ट पिछले दिन आया 3 विषयों का, तो उसके साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया सभी विषयों का। इसके बाद अभ्यर्थियों में नाराज़गी है क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि जितने भी लोग पास किए हैं सभी का नौकरी पक्का है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जितनी सीटें हैं उतना ही रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन जब मेरिट लिस्ट जारी किया गया है तो इसमें से बहुत सारे छात्र मेरिट लिस्ट में नहीं हैं और सीटें जो हैं वो खाली बच गई है, लेकिन छात्र मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो ये लोग पूरा, इन लोगों में मतलब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ये लोग विषयवार कट ऑफ जारी करने की मांग कर रहे हैं, विषयवार कट ऑफ जारी नहीं हुआ है उससे इन लोगों को में मतलब बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, और साथ ही ये लोग कट ऑफ जारी करने की मांग भी कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कल बिहार बोर्ड के मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया। ठीक है, रिजल्ट के बाद खाली सीटें कितनी हैं सो देख लीजिए। हिंदी में 188, इंग्लिश में 1212, पेपर वन में, गणित में 690, सोशल साइंस में एक भी नहीं, विज्ञान में 671, उर्दू में 168, संस्कृत में 192। कुल रिक्ति थी 25,270 और कुल खाली पद जो बच गए हैं वो 3129 बच गए हैं। पेपर टू में इंग्लिश में 277 खाली है, पेपर गणित में 441 है, फिजिक्स में 1570 है, केमिस्ट्री में 1117 है, जूलॉजी में एक भी नहीं है, बॉटनी में 184 है, कंप्यूटर साइंस में एक भी नहीं है, मैथली में 52 है, और कुल रिक्तियाँ जो है 12,170 थी प्लस टू के लिए। तो इतनी सीटें खाली रह गई हैं और अभ्यर्थी पास हैं बावजूद उनको मतलब मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।